भारत ने क़याम पाकिस्तान से ही इसके वजूद से नफ़रत का रिश्ता कायम कर लिया, और इसी नफ़रत की वजह से पहले 1948 और फिर 1965 में पाकिस्तान को जंग के मैदान में ललकारता रहा। मगर पाकिस्तान ने इसका गुरूर खाक में मिलाया और दोनों दफ़ा कामयाबी समेट कर इसको आलमी ताकतों के तलवे चाटने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ला खड़ा किया। जब उसने देख लिया कि मैदान जंग में बराह रास्त कामयाबी मुमकिन नहीं, तो उसने साजिशों का नया बाब खोलने का फैसला किया और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान अपनी चालों से नफ़रत और तफरके का ऐसा बीज बोया कि आखिरकार दिसंबर 1971 में पाकिस्तान का मशरकी बाजू टूटकर अलग हो गया और बांग्लादेश के नाम से एक नई रियासत कायम कर दी गई। पाकिस्तान को न सिर्फ मशरकी हिस्से से हाथ धोना पड़ा, बल्कि 13,000 किलोमीटर का रकबा मगरबी पाकिस्तान का भी दुश्मन के कब्ज़े में चला गया और 90,000 सिपाही भी दुश्मन की कैद में पाबंदे सलासल हुए। ये सब कुछ होने के बाद आखिरकार 2 जुलाई 1972 को दोनों मुल्कों की क़यादत जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी और एक मुआहदा किया जिसे तारीख में मुआहदा शिमला के नाम से जाना जाता। इस मुआहदे की वजूहात का अंदाज़ा लगाएं तो एक तरफ अवामी दबाव और दूसरी तरफ बैनुल अक्वामी प्रेशर था। इसके साथ साथ दोनों मुल्कों के मुआशी हालात इस जंग को मज़ीद तूल देने के हक़ में नहीं थे, और इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नौमुंतखब वज़ीर आज़म थे जो जल्द अज़ जल्द अपनी आवाम की हमदर्दी के लिए इस मसले को हल करना चाहते थे। तो दूसरी तरफ भारत के मुआशी हालात 90,000 कैदियों को मज़ीद देखभाल करने की इजाज़त नहीं देते थे, चुनाचे दोनों ममालिक इस मसले का जल्द अज़ जल्द हल चाहते थे, जिसकी वजह से इस मसले को हल करने की गर्ज से जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और 2 दिन की बहस व तकरार के बाद आखिरकार 2 जुलाई 1972 को एक माहदे पर दस्तखत किए। इन मुज़ाकरात के एलामिये के अंदर इस बात का ऐलान किया गया कि दोनों ममालिक अक़्वामे मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करते हुए जंगबंदी का फ़ैसला करते हैं, दोनों ममालिक अपनी अफवाज को वापस पुरमन हालात की तरह बैरकों में वापस ले जाएंगे, मकबूजा इलाके जो दोनों मुल्कों के पास हैं वो एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे, जंगी कैदियों का तबादला किया जाएगा, पाकिस्तान भारत को और भारत पाकिस्तान को उसके जंगी कैदी वापस करेगा, मुखालफाना रवैये से इज्तनाब किया जाएगा, दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, दो तरफा ताल्लुकात को बहाल किया जाएगा, तिजारत सियाहत और दीगर शोबों के अंदर हालात को नॉर्मल किया जाएगा। इस माहदे के अंदर जो सबसे अहम बात थी वो कश्मीर पर सालसी से दस्तबरदारी थी। इस माहदे के अंदर ये बात तय की गई कि कश्मीर के मसले पर किसी तीसरे मुल्क को बतौर सालिस शामिल नहीं किया जाएगा और इस मसले का हल दोनों ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर बाहमी गुफ्तोशनीद के ज़रिए से निकालेंगे। दो तरफा मुल्की सालमियत का एहतराम किया जाएगा, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क की सरहद के अंदर दरअंदाजी से गुरेज करेगा, अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं की जाएगी, सियासत मज़हब और दीगर मामलात हर मुल्क के अंदरूनी होंगे और कोई भी इनके अंदर एक दूसरे की मुखालफत में मुदाखलत नहीं करेगा। भारत ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करे, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक़्त इसको तस्लीम करने के बजाय इस बात पर इक्तफा किया कि वो वतन वापस आकर गुफ्तोशनीद के बाद इस बात के बारे में वाज़ह तौर पर बयान करेगा। इस माहदे के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो बज़ाहर तो कुछ भी दिए बगैर कामयाबी के साथ लौटे और असाब शिकन सूरत हाल से मुल्क कौम को निकालने में कामयाब ठहरे। जहाँ एक तरफ इस माहदे को एक तबका जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कामयाब सियासी पॉलिसी और जीत करार देता है, तो वहीं दूसरा तबका मसला कश्मीर के हल ना होने का जवाज़ भी इसी माहदे को करार देता है और कहा जाता है कि कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के मकबूजा इलाकों में बांट कर इसका अंदरूनी मामला करार दे दिया गया और बाकी मांदा कश्मीर को भारत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इस मसले से आलमी दबाव को तो हटा दिया गया और भारतीय हुकूमत को इसे अंदरूनी मामला कहकर अपनी मनमानी करने का जवाज़ भी फराहम कर दिया गया। गो के बाद में आने वाली पाकिस्तानी हुकूमतों ने मसला कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठाई और तमाम बड़े आलमी फोरम्स पर इस मसले के हल के लिए किरदार निभाने पर जोर दिया, मगर भारत इसको मुसलसल शिमला माहदे की खिलाफवर्जी कहकर मुतफिका हल निकालने से गुरेज करता रहा। शिमला माहदे को आज 48 साल गुजर गए हैं और इसके बावजूद मसला कश्मीर उसी नौयत पर बरकरार है। शिमला माहदे ने 1971 के जंगी हालात को तो वक्ती तौर पर हल कर दिया, मगर पाक भारत तनाज़े की असल वजह कश्मीर के मसले को हल करने में कोई किरदार अदा ना कर सका। इस माहदे के असरात जो भी हों, मगर
ये एक तारीखी अहमियत का हामिल माहदा है और इसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देती रहेगी।